भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहाँ लाखों की तादाद से भी ज्यादा तादाद के अंदर केंद्र सरकार को हिलाने का काम किया। ऐसे ही हमारे बीच के अंदर कुछ नेता लोग हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेके इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेंबर्स हूँ और जो स्टेट सेक्रेटरी हूँ भारतीय मजदूर संघ का डिफेंस रेलवे में। आज उड़ीसा प्रदेश से 10,000 महिला लोग आए थे और उसमें हमारा कार्यकर्ता लोग सब आए थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसको हम लोग ब्लॉकआउट कर रहा हूँ। आज हर राज्य में समस्या है, अभी राज्य के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी का जो नारा था सबके साथ सबके विकास, वो खिलाफ में हम 3.5 वर्ष हो गया जो मिनिमम वेजेस नहीं दिया, सेंट्रल वेजेस बोर्ड का कोई नियम नहीं हुआ और जो लेबर रिफ्रेशन हो रहा है उसको भी बंद करने के लिए हम लोग का मांग था। आज जो हमारा 5 लाख से ऊपर कार्यकर्ता ऑल ओवर इंडिया से अंडमान निकोबार से लेकर हर स्टेट हर क्षेत्र से आया है, उसमें महिला भाग ज़्यादा है और हम लोग का मांग है जो हमारा 14 दफ़ा दाबी है उसको कैसे सरकार तुरंत प्रतिबंधन किया जाए, ये हमारी मांग है। मैं अरुण साहू स्टेट सेक्रेटरी नाते बोल रहा हूँ। साहू साहब जी, अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश और ये अपना पारित कर दिया कि भाई जो जितना काम करेगा उसके मुताबिक उसे पैसा मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? जब वो ये खुद फंसते नजर आते हैं तो कहते हैं कि भाई हम कोर्ट में मैटर जा रहा है, जब कोर्ट आदेश करता है तो उस आदेशों की ये अवहेलना कर रहे हैं। ये क्या है कि जैसे जेनिवा में आईएलओ में डिस्कशन था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 350 रुपया पर हेड देने के लिए 10,500 आ रहा है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैकेज घोषणा किया था उसी पैकेज का हिसाब से मिनिमम वेजेस 18,000 रुपया होना चाहिए, क्योंकि ये भारत प्रदेश में सबसे जो सरकारी तरफ में जिस टाइम मनमोहन सिंह सरकार था कुछ तो कर रहा था, अभी मगर जो सरकार है सिर्फ नारा का बातें चल रहा है। इसके लिए हम लोग का आज विशाल प्रदर्शन का यह था और अगले टाइम में हम लोग अगर इसमें नहीं होगा तो राज्य की तरफ से भी हम लोग कुछ करने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर 3 साल से ऊपर हो गए और उन्होंने जब सत्ता में आए थे कि हम 2 करोड़ नौजवान लोगों को नौकरी देंगे, और तो सर अभी तक कितनी नौकरियाँ इन्होंने दे दी हैं? ये सरकार के जो डिमांड था कि 2 करोड़ देने के लिए, अभी तक तो हम 50 लाख भी कोई अनरेज सेक्टर में काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आज का जो विशाल प्रदर्शन रहा, ये सरकार जो मोदी सरकार है इसमें बार बार लेबर रिफॉर्मेशन के एक्ट में चल रहा है मगर कुछ काम नहीं कर पा रहे। अगर हर पूरा भारतवर्ष में 50 लाख भी अगर जनरेट कर देता है एम्प्लॉयमेंट तो आज इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हर क्षेत्र में ये विफल है सरकार। इसके लिए हम लोग का आज प्रदर्शन रहा।